हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कैंपस दर्शन। तो आज हम बात करने वाले हैं CBCS की चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की। तो इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि 3 साल में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं एंड कोर सब्जेक्ट क्या है, इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या है, जेनिक सब्जेक्ट्स क्या हैं और जब इन्हें चूज़ करो तो किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो हायर स्टडीज़ में UGC ने इसे लॉन्च किया CBCS सिस्टम को, क्योंकि पुराना वाला सिस्टम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रहा था। अब पुराने वाले सिस्टम में क्या कमियां थी वो हम अभी डिस्कस करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉन्च हुआ 2016 में। जो हमारा पुराना सिस्टम था उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल्स और जो हमारी कॉन्फिडेंस इन वैल्यूज़ हैं वो डेवलप नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी कोर्स एंड सब्जेक्ट्स में, इन साथ में स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, जो आपको यहाँ पे CBCS सिस्टम में देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस में आपके क्रेडिट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यही डिफरेंस है, ना ही कोई कनेक्शन बन पा रहा था बिटवीन नॉलेज, स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इस वजह से UGC ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए, जिनमें से CBCS सिस्टम एक है। और CBCS सिस्टम अच्छा क्यों है, क्योंकि ये स्टूडेंट सेंट्रिक है। आपके करियर को ध्यान में रखते हुए ये जो हमारा सिस्टम है ये आया है। साथ में आप अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, जैसे कि मुझे फिज़िक्स में इंटरेस्ट था तो मैंने जर्नलिज्म अपने कोर्स के साथ जेनरिक में फिज़िक्स ले रखा था पूरे फर्स्ट ईयर में। तो ये जो ऑप्शन है आप कोई भी ले सकते हैं जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, ये आपको CBCS सिस्टम में देखने के लिए मिल जाता है। CBCS में स्टूडेंट्स अपना कोर्स डिफरेंट इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, उनके जो क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स टू इंस्टीट्यूट्स। आपका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, क्योंकि आप अपना मेन सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हो, साथ में एडिशनल सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हो जो कि स्किल बेस्ड होता है, मतलब जॉब ओरिएंटेड जो आपकी स्टडी है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि बस थ्योरेटिकल स्टडीज़ पे। फिर अगर मैं बात करूँ तो अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हो, वैसे भगवान ना करे कि ऐसा हो, तो आपको पूरा सेमेस्टर रिपीट नहीं करना पड़ता, वो आपके वही क्रेडिट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, आप वो पेपर दोबारा देते हो। तो फिर हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इस सिस्टम के अंदर वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास कोर कोर्स, कोर सब्जेक्ट्स। तो ये मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको पढ़ने होते हैं। जैसे मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ तो फर्स्ट ईयर में दोनों सेमेस्टर में मेरे पास 2-2 कोर सब्जेक्ट्स थे, एंड आपके पास सेकेंड ईयर में आ जाते हैं 3 कोर सब्जेक्ट्स। तो ये आपके कोर्स के होते हैं, आपने जो भी कोर्स लिया है उसके अकॉर्डिंग ये आपको पढ़ने होते हैं। फिर जो हमारे पास सेकेंड है वो है इलेक्टिव कोर्स, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं जिनमें से आप चूज़ करते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, एक तो DSE, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स। ये कोर सब्जेक्ट के अंदर जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं आप उन्हें चूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास दूसरा आता है जेनरिक कोर्स या सब्जेक्ट। तो जेनरिक जो है ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में आपको जेनरिक का पेपर चूज़ करना होता है। जैसे मैंने जर्नलिज्म लिया तो जर्नलिज्म कोर्स के अंदर भी या सभी कोर्सेज के अंदर आपको अपने कोर्स से अलग कोई सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो अगर किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट है इको में तो वो जर्नलिज्म के साथ साथ इको अपना एक जेनरिक ले सकता है। एंड अगर आप सेम जेनरिक को 2 साल कंटिन्यू करते हैं तो आपको DU की उससे माइनर डिग्री मिलती है, बट मैंने वो कंटिन्यू नहीं किया था। तो हाँ, आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, मतलब अपने कोर्स के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं एज अ जेनरिक सब्जेक्ट फॉर योर नॉलेज, एंड ये एक्सपोजर को इनक्रीज करने के लिए रखा जाता है। तो थर्ड ऑप्शन आपके पास रहता है प्रोजेक्ट वर्क का। तो आप DSE की जगह कोई भी अपना प्रोजेक्ट चूज़ कर सकते हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ AEC की, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज की, तो ये जो ये कोर्सेज हैं इन्हें ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये जो आपकी एबिलिटीज़ होती हैं उन्हें इन्हेंस करें। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो ACC और दूसरा SEC। तो अगर मैं AECC की बात करूँ तो एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपल्सरी कोर्स, इनमें आप चूज़ नहीं करते, ये कॉलेज वाले आपको देते हैं। आप 2 ही ऑप्शन होते हैं AECC में, तो या तो EVS या फिर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपको EVS दे दिया तो सेकंड सेमेस्टर में आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन पढ़ना है। तो ये चीज़ें ऐसे चलती हैं। फिर जो हमारे पास दूसरा है SEC, मतलब स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। तो ये आपके स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, तो वो कोर्सेज आपको दिए जाते हैं आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपके स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए।
फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि एग्जामिनेशन स्कीम्स अंडर CBCS, तो हर साल को दो सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है, मतलब ईयरली पेपर नहीं होता, आपके दो सेमेस्टर वाइज पेपर होते हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। हर एक पेपर के लिए आपको क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाते हैं, क्रेडिट्स दिए जाते हैं, एंड हर पेपर के एक फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रेडिट्स होते हैं। एग्ज़ाम्स आपका इंटरनल भी होगा एंड एक्सटर्नल भी होगा। इंटरनल में आपका प्रैक्टिकल और साथ में जो टीचर्स लेते हैं उसमें आपके 25 मार्क्स जो हैं वो इंटरनल के होते हैं, साथ में फिर एक्सटर्नल जो आपका थ्योरी एग्ज़ाम्स होता है बाय DU या फिर आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। ग्रेड्स दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर, जो भी आपने अपने पेपर में स्कोर किया है, और जो ग्रेड्स हैं वो भी दो वेज में दिए जाते हैं, या तो लेटर ग्रेड्स या फिर ग्रेड पॉइंट्स। तो फाइनली आपके क्रेडिट्स और ग्रेड पॉइंट्स को कंसीडर करके कैलकुलेट किया जाता है CGPA एंड SGPA। SGPA मतलब सब्जेक्ट ग्रेड पॉइंट एवरेज, तो इससे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये रहा, एंड CGPA मतलब कॉम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, इसे ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री विद ऑनर्स इन अ डिसिप्लिन इज अवॉर्डेड इफ़ अ स्टूडेंट कम्प्लीट्स, अगर किसी स्टूडेंट ने कम्प्लीट किए हैं 14 कोर पेपर्स इन दैट डिसिप्लिन, 2 ACC और मिनिमम 2 SEC पेपर और 4 DSE या फिर प्रोजेक्ट और 4 जेनिक पेपर अगर किसी स्टूडेंट ने किए हैं तो उसे उस डिसिप्लिन के अंदर ऑनर्स की डिग्री दी जाती है। फिर अगर मैं बात करूँ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम डिग्री इन साइंस डिसिप्लिन, तो एक स्टूडेंट को क्या क्या करना होता है, 4 आपके कोर पेपर्स इन 3 डिसिप्लिनस ऑफ चॉइस, 2 ACC, 4 SEC मिनिमम और 2 ही DSE फ्रॉम ईच ऑफ 3 डिसिप्लिनस ऑफ चॉइस। फिर अगर मैं बात करूँ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम डिग्री इन ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंस एंड कॉमर्स, तो 4 आपके कोर पेपर्स इन 2 डिसिप्लिन ऑफ चॉइस, 2 ACC, 2 कोर पेपर्स इन इंग्लिश एंड MIL ईच, 4 SEC मिनिमम एंड 2 DSE फ्रॉम ईच ऑफ द 2 डिसिप्लिनस ऑफ चॉइस। हमारे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि अगर हम 4 जो हमारे जेनिक कोर्स हैं चारों सेमेस्टर में सेम जेनिक को रिपीट करते हैं तो 24 क्रेडिट्स अर्न होते हैं। इतने क्रेडिट्स अर्न करने पर स्टूडेंट एलिजिबल हो जाते हैं PG मास्टर्स इन दैट सब्जेक्ट। तो अगर आपने चारों सेमेस्टर में एक ही जेनिक चूज़ किया है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप उसी सब्जेक्ट से अपनी मास्टर्स कर सकते हैं। डिग्री लेने के लिए UGC ने जितने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपके फिक्स किए हैं, अगर स्टूडेंट्स चाहें तो उससे ज़्यादा भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर सकते हैं, वो उनकी मर्ज़ी होती है और अगर कॉलेज आपको परमिशन दे रहा है तो। साथ में जो भी आपका क्रेडिट स्कोर है किसी भी स्टूडेंट का, वो UG ऑनर्स में 160 एंड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में 140 क्रेडिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप सो आपको CBCS सिस्टम थोड़ा सा समझ में आया होगा। समझ में आया या फिर नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपके कोई भी क्वेरी है एडमिशन प्रोसीजर से रिलेटेड तो Instagram एंड मेरे Telegram के चैनल का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, एंड इस चैनल को तो आपने अब तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। थैंक यू।